तो चलिए शुरू करते हैं। तापसी समय के सिनेमे चेहरा छुपा के धीमी आवाज में बोली, डेविड आपने इतनी ऊपर ऑफिस कैसे बनाया? यहाँ से सब कितना छोटा दिखता है, तुमने वहाँ से देखा? वहाँ से पूरा शहर इतुसा दिखता है, तापसी उंगली के इशारे से बोली। समय उसकी बात सुन हल्के से स्माइल कर उसके दोनों गालों को प्यार से चूमके बोला, मेरे छोटे बच्चे को ये पसंद आया? हाँ डेविड, मुझे ये बहुत पसंद है, ये कितना सुंदर है, मैं यहाँ रोज आऊंगी और यहाँ से बाहर देखूंगी, मुझे अच्छा लगता है, तापसी खुशी चहकते हुए अपना सर हमें हिला के बोली। समय अपनी बटरफ्लाई को इतना खुश देख उसके चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ गई। समय तापसी को और कसके पका बोला, तुम यहाँ रोज आओगी, मैं खुद तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें हर रोज अपने साथ ऑफिस क्यों ना लाना पड़े, मैं तुम्हें हर पल अपने पास रखूंगा, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें खुद के अंदर छुपा लूं। तुम्हें पता है बच्चा, तुम्हारा डेविड यहाँ का ही नहीं पूरे हॉलीवुड का किंग है, यहाँ तुम्हारे डेविड का राज चलता है, यहाँ के लोग मेरे एक ओहदे पर अपनी जान तक देने को तैयार होते, तुम इस किंग की छोटी सी क्वीन हो, जिसे देख मेरा दिल मुझे स्माइल करने को कहता है, जिसके आने से ये किंग वापिस जीने लगा है, अगर तुम मुझे से दूर गई तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, तुम जब तक मेरे करीब हो मैं शांत हूँ, इस डेविड की कमजोरी और ताकत दोनों तुम हो, अगर किसी ने भी तुम्हें मुझ से छीनने की या दूर करने कोशिश की तो मैं सब तबाह कर दूंगा, मेरे अंदर की आग को अगर किसी ने छुआ भी तो मैं सबको जान से मार दूंगा, सबकी लाशें बिछा दूंगा। तापसी को उसकी सारी बातें ऊपर से गई, उसे कुछ समझ नहीं आया। तापसी अपना सर समय के सिने पर रब कर बोली, अच्छा तो मैं आपकी क्वीन हूँ, लेकिन मैं आपकी क्वीन कब बनी? किंग की क्वीन तो शादी के बाद बनते हैं और हमारी तो शादी नहीं हुई। समय उसके सर को प्यार से चुमके, जान तुम मेरी क्वीन बचपन में ही बन गई थी, जब तुमने इस दुनिया में जन्म लिया उस पल से तुम मेरी थी, इस डेविल की दुनिया में तुम एंज बनके आई हो, तुम नहीं जानती बटरफ्लाई तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो, तुम यहाँ मेरी क्वीन बनके आई हो, और रही शादी की बात तो वो भी हो जाएगी पेपर पर, तो पहले ही तुम मेरी बन चुकी हो और हम दो जिस्म एक जान भी बन चुके हैं, अब सिर्फ शादी की बात, तो वो हमारी क्वीन की पसंद की शादी बहुत जल्द होगी। तापसी को फिर से समय की बातें सर के ऊपर से गई। तापसी अपनी टिमटिमाती आंखों से समय के चेहरे को देख मासूमियत से बोली, डेविड अगर हर किंग क्वीन है तो हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोकेगा और कयो बोलेगा भी नहीं, मैं जितनी चाहे उतनी चॉकलेट खा सकती हूँ, आपके पास तो इतने सारे पैसे होंगे, आप मुझे ढेर सारी चॉकलेट खरीद देना। समय उसके गाल को सहला के, आप जो चाहे वो कर सकती हो, आपको कोई बोलना तो दूर देखने की भी हिम्मत की तो मैं उसे खौफ से खौफनाक मौत दूंगा, और रही बात चॉकलेट की तो आपका डेविड दुनिया की सारी चॉकलेट खरीद के आपके कदमों में ला देगा, आप फिर जीतना चाहे उतनी चॉकलेट खाना, कोई आपको रोकेगा नहीं। तापसी चॉकलेट का नाम सुन खुश होके अपना हाथ आगे कर, सच्ची डेविड आप ढेर सारी चॉकलेट लाओगे, प्रोमिश करो। समय उसके हाथ में अपना हाथ रख, प्रोमिश बच्चा। तापसी प्रोमिश सुन उछल पड़ी, वो समय से और लिपट गई, समय ने भी अपना सारा काम छोड़ उसे बाहों में भरे लिया। यहाँ दोनों आने वाले तूफान से अनजान अपनी प्यार की दुनिया में खोए हुए थे, वहीं एक तूफान उनकी जिंदगी में आने के लिए निकल चुका था। प्राइवेट प्लेन, रियाज अपने प्राइवेट प्लेन में अमेरिका के निकल चुका था। रियाज के साथ उसके तीन खास दोस्त भी थे, जिन में से एक रियाज का पर्सनल असिस्टेंट है, तो दूसरा रियाज की एक कंपनी संभालता है, तो तीसरे का खुद का बिजनेस है, फिर भी वो पूरी तरह रियाज पर डिपेंड करता है। रियाज के तीनों दोस्त एक नंबर के अयास ड्रग एडिक्ट प्लेयर बॉय है, उनको हर रात नई नई लड़कियां चाहिए, अगर कोई लड़की उनको मना करती तो वो लोग मिल के उसके साथ जबरदस्ती करते, लड़की के साथ जबरदस्ती करने के बाद भी उन लड़कों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर किसी ने उनके खिलाफ कोई कंप्लेन की भी तो रियाज उस कंप्लेन करने वालों को एक घंटे में गायब करवा देता। रियाज उनके साथ क्या करता वो किसी को नहीं पता। अफगानिस्तान में रियाज मल्लिका दर कुछ ऐसा है कि सब
रियाज के नाम से डरते हैं। रियाज के तीनों दोस्त भी इसी बात का फायदा उठाते हैं। उनको पता है वो कुछ भी करेंगे, किसी का खुश भी करेंगे तो रियाज उनको बचा लेगा। रियाज अपने बाप के लिए कुछ करे ना करे, लेकिन अपने तीन दोस्तों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। रियाज चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक अच्छी बात थी, या यूं भी कह सकते हैं एक ही अच्छी बात थी। वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता था। उन चारों की दोस्ती पूरा अफगानिस्तान जानता है। रियाज के साथ रहते रहते उन तीनों को ड्रग्स की बुरी आदत लगी थी। उन तीनों को ड्रग्स की इतनी बुरी आदत लग चुकी थी कि उन्होंने हर टाइप के ड्रग्स को यूज किया है। यहाँ तक उन्होंने एक ड्रग्स को एक से ज्यादा बार यूज किया है। खुद रियाज भी उन जैसा है, सिर्फ वो ड्रग्स खुद नहीं लेता था, उसका खुद का ड्रग्स बिजनेस है, उसके और भी बिजनेस है। रियाज अपना ड्रग्स का बिजनेस दवाई की कंपनी के नाम से चलाता है। उस कंपनी में हर तरह के ड्रग्स पर काम होता है। वहाँ पर कुछ ऐसे ड्रग्स भी बनते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, वो ड्रग्स रियाज खुद बनवाता है, जिसे उसका बनाया हुए ड्रग्स की आदत लोगों को ज्यादा से ज्यादा लग जाए। कुछ ड्रग्स तो ऐसे भी है जिसे आम लोग रोज लेते। उस ड्रग्स को रियाज दवाई के नाम पर बनाता है, जिसे आम लोग सर दर्द बुखार जैसी छोटी प्रॉब्लम पर लेते हैं। उस दवाई में ड्रग्स का डबल डोज मिला होता है, जिसे इंसान को उसकी लत एक से दो बार में ही लग जाती है, जिसके कारण वो लोग बार बार उस दवाई को खरीदते हैं। इस टाइप के ड्रग्स आसानी से मेडिकल शॉप पर मिल जाता है। रियाज अपने शाती माइंड से अपना ड्रग्स का बिजनेस आसानी से हर देश शहरों में चलाता है। कोई भी देश उसकी दवाई लेने से मना नहीं कर सकता था। रियाज ने अपनी पहचान ही कुछ ऐसी बनाई थी जिसके आगे हर देश के प्रेसिडेंट तक सर झुकाने पर मजबूर हो जाता थे। अगर कोई भी उसे मना कर भी देता तो उस देश के साथ अफगानिस्तान की जंग छिड़ जाती, जिसमें ज्यादा नुकसान सामने वाले देश का होता। रियाज का ये बिजनेस इनलीगल होने के बाद भी बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी चलता है। रियाज के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी भी बिजनेसमैन में नहीं है। अगर कोई गलती से खराब ही हो जाता तो रियाज उसे खौफनाक मौत देता। मौत भी ऐसी जिसे बाकी बिजनेसमैन उसके खिलाफ खड़े होने से पहले हजार बार सोचे। रियाज का डर ही कुछ ऐसा था। उसके राइवल को वो रास्ते से हटाने के लिए उसे कोई बिजनेसमैन तक जान से मार देता है। रियाज के तीन दोस्त का नाम अली, अफताब, ताजीब है। तीनों ही एक नंबर के अयास बिगड़े नवाब जादे थे। तीनों ने अब ना जाने कितनी लड़की एक ही जिंदगी बर्बाद की है। तीनों में से एक था जो उन दोनों से अली बाकी दोनों से थोड़ा अच्छा था। उसे ड्रग्स की आदत थी। वो लड़की ओके साथ हुक भी करता था, लेकिन उसने कभी भी किसी लड़की की मर्जी के बिना कुछ नहीं किया। अगर लड़की उसे मना करती तो वो उस लड़की को चुना तो दूर उसकी ओर एक नजर देखता भी नहीं था। रियाज चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक अच्छी बात थी, या यूं भी कह सकते हैं एक ही अच्छी बात थी। वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता था। उन चारों की दोस्ती पूरा अफगानिस्तान जानता है। रियाज के साथ रहते रहते उन तीनों को ड्रग्स की बुरी आदत लगी थी। उन तीनों को ड्रग्स की इतनी बुरी आदत लग चुकी थी कि उन्होंने हर टाइप के ड्रग्स को यूज किया है। यहाँ तक उन्होंने एक ड्रग्स को एक से ज्यादा बार यूज किया है। खुद रियाज भी उन जैसा है, सिर्फ वो ड्रग्स खुद नहीं लेता था, उसका खुद का ड्रग्स बिजनेस है, उसके और भी बिजनेस है। रियाज अपना ड्रग्स का बिजनेस दवाई की कंपनी के नाम से चलाता है। उस कंपनी में हर तरह के ड्रग्स पर काम होता है। वहाँ पर कुछ ऐसे ड्रग्स भी बनते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, वो ड्रग्स रियाज खुद बनवाता है, जिसे उसका बनाया हुए ड्रग्स की आदत लोगों को ज्यादा से ज्यादा लग जाए। कुछ ड्रग्स तो ऐसे भी है जिसे आम लोग रोज लेते। उस ड्रग्स को रियाज दवाई के नाम पर बनाता है, जिसे आम लोग सर दर्द बुखार जैसी छोटी प्रॉब्लम पर लेते हैं। उस दवाई में ड्रग्स का डबल डोज मिला होता है, जिसे इंसान को उसकी लत एक से दो बार में ही लग जाती है, जिसके कारण वो लोग बार बार उस दवाई को खरीदते हैं। इस टाइप के ड्रग्स आसानी से मेडिकल शॉप पर मिल जाता है। रियाज अपने शाती माइंड से अपना ड्रग्स का बिजनेस आसानी से हर देश शहरों में चलाता है। कोई भी देश उसकी
दवाई लेने से मना नहीं कर सकता था। रियाज ने अपनी पहचान ही कुछ ऐसी बनाई थी जिसके आगे हर देश के प्रेसिडेंट तक सर झुकाने पर मजबूर हो जाता थे। अगर कोई भी उसे मना कर भी देता तो उस देश के साथ अफगानिस्तान की जंग छिड़ जाती जिसमें ज्यादा नुकसान सामने वाले देश का होता। रियाज का ये बिजनेस इनलीगल होने के बाद भी बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी चलता है। रियाज के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी भी बिजनेसमैन में नहीं है। अगर कोई गलती से खराबी हो जाता तो रियाज उसे खौफनाक मौत देता। मौत भी ऐसी जिसे बाकी बिजनेसमैन उसके खिलाफ खड़े होने से पहले हजार बार सोचे। रियाज का डर ही कुछ ऐसा था। उसके राइवल को वो रास्ते से हटाने के लिए उसे कोई बिजनेसमैन तक जान से मार देता है। रियाज के तीन दोस्त का नाम अली, अफताब, ताजीब है। तीनों ही एक नंबर के अयास बिगड़े नवाब जादे थे। तीनों ने अब ना जाने कितनी लड़की एक ही जिंदगी बर्बाद की है। तीनों में से एक था जो उन दोनों से अली बाकी दोनों से थोड़ा अच्छा था। उसे ड्रग्स की आदत थी। वो लड़की ओके साथ हुक भी करता था लेकिन उसने कभी भी किसी लड़की की मर्जी के बिना कुछ नहीं किया। अगर लड़की उसे मना करती तो वो उस लड़की को छुना तो दूर उसकी ओर एक नजर देखता भी नहीं था। उसका नाम अली है। वो बाकी दोनों से थोड़ा अच्छा था। उसे ड्रग्स की आदत तो थी और वो लड़की ओके साथ हुक भी करता था लेकिन उसने कभी भी किसी लड़की की मर्जी के बिना कुछ नहीं किया। आज तक उसने जीन्स भी लड़की को छुआ था। वो उसकी मर्जी से था। अगर लड़की उसे मना करती तो वो उस लड़की को छुना तो दूर उसकी ओर एक नजर देखता भी नहीं था। अली के भी कुछ अपने उसूलू थे। वो कोई भी गलत काम करता उसे पहले उसके बारे में 10 बार सोचता। अगर उसका दिल उस काम के लिए मना करता तो वो कभी उस पर हाथ तक नहीं लगाता। अली भी बड़े बाप का बेटा है। उसका खुद का अपना बिजनेस है। उसके डैड अफगानिस्तान के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। रियाज के डैड और अली के डैड बिजनेस पार्टनर भी है जबकि ताजीब रियाज का असिस्टेंट है और अफताब उसका मैनेजर। दोनों अली डे से नहीं है। उनको अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो वो उसे किसी भी हाल में हासिल करके रहते हैं फिर चाहे लड़की की मर्जी हो या ना हो। रियाज उन दोनों से अलग था। वो उसी लड़की को छूता जो उसे पसंद आती जब तक उसका दिल करता उसे अपने पास रखता फिर मुंह मांगे पैसे देके उसे छोड़ देता। रियाज ने आज तक किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की। उसका बिजनेस भले ही इनलीगल था लेकिन उसूल उसके भी पक्के थे। प्लेन में अली, आफताब, ताजीब प्लेन की एयर होस्टेज के साथ मस्ती कर रहे थे। तीनों ने अभी अभी ड्रग्स का एक डोज लिया है। तीनों पर अभी तक उसका असर नहीं हुआ था। रियाज अपनी सीट पर बैठ टैब पर तापसी के फोटो को देख रहा था। रियाज इस वक्त पूरी तरह तापसी के चेहरे में डूबा हुआ था। आफताब उसके पास आके उसके पास वाली सीट पर बैठ के बोला, मेरे भाई को कोई नई चिड़िया पसंद आ गई है, दिखा तो सही हमें कैसी है वो चिड़िया, हम भी तो देखे अगर पसंद आई तो। आफताब अपनी बात पूरी करता उसे पहले रियाज गुस्से में उसका गला पकड़ के बोला, खबरदार अगर तूने या तुम में से किसी ने भी उसे गलत नजर से देखा तो वो सिफे मेरी है। सिफे और सिफे मेरी है, चिड़िया नहीं मेरी परी है। वो इस हैवान की परी। उसकी एंज अब तक जितनी लड़की के साथ मैंने रात बिताई ये सबसे अलग है। इस एक नजर देखिए मेरे दिल दिमाग में उतर चुकी है। अच्छा बता तो सही वो कैसी दिखती है। हम प्रोमिश करते हैं हम उसे भाभी की नजरों से देखेंगे, अब दिखा भी दे, अली ने रियाज के पास आते हुए कहा। रियाज टैब पर तापसी की फोटो उन तीनों को दिखाई। तीनों ही तापसी की फोटो देख एक पल के लिए उसकी झीलसी नीली आंखों में कहीं खो गए। अली वह गोद ये क्या है। ताजीब सो होट, आफताब माय गोद सी इज डेम होट। ताजीब अपनी सट के तीन बटन गोल, भाई ये चिड़िया कहा की है और कैसे मिलेगी, मुझे एक बार इसे टेस्ट करना है। सिफे एक बार। आफताब हवस भरी नजरों से तापसी की फोटो को देख अपने होठों पर जीभ फेर के, हाँ यार ये सच में मलाई है, मैं खुद इसे देख पागल हो गया, ये मुझे भी एक रात के लिए चाहिए। दोनों ही भूल चुके थे कि वो किसके बारे किसके सामने बात कर रहे हैं। उनकी बात सुन कोया अपनी जलती आंखों से उसे उन्हें देख रहा था। रियाज उन सब की बात सुन गुस्से में लाल हो चुका था। वो अपनी लाल आंखों से उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखें
इस वक्त खून की तरह लाल हो चुकी थी। अली रियाज की आंखें देख एक पल के लिए डर गया। उसने तुरंत आफताब ताजीब के मुंह पर हाथ रख उनको चुप कराते हुए बोला, बस करो यार, ये अब हमारी भाभी होने वाली है, ये रियाज की है, हम उसकी चिज पर कभी नजर नहीं उठाते और आगे भी नहीं उठाएंगे। आफताब ताजीब अली की बात सुन एक नजर रियाज को देख घबरा गए। रियाज की आंखें हर से ज्यादा लाल हो चुकी थी। जिसे देख कोई भी बता सकता है कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। आफताब अपना गला साफ कर रियाज को देख झुकी स्माइल कर बोला, अरे यार हम तो मजाक कर रहे हैं, वैसे भाभी सच में काफी होट है, इसलिए हमारी जबान थोड़ी फिसल गई। तू ज्यादा सीरियस मत हो, हम सच में भाभी को भाभी की नजर से देखते गे। कयू ताजीब सही कहा ना? हाँ भाई तूने बिल्कुल सही कहा, हम भाभी को भाभी की नजरों से ही देखेंगे। ताजीब ने आफताब की बात में हामी भर के कहा। रियाज जलती आंखों से दोनों को देख बोला, यही बेहतर होगा तुम दोनों के लिए, अगर इस नजरों में उसके लिए कुछ ही गलत दिखा तो मैं तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगा। मेरी परी के बारे में आज के बाद तुम दोनों के मुंह से एक गलत वर्ड नहीं सुनना चाहता। वो सिफे रियाज मलिक की है, उसकी ब्यूटी भी सिफे और सिफे मेरी है। अली बात बदलते हुए, वैसे रियाज भाभी है कौन और वो कहाँ है, उनका नाम क्या है? रियाज तापसी की फोटो पर उंगली फेर के, वो अभी अमेरिका में है, उसका नाम तापसी है। आफताब ने बीच में कहा, ओह इसलिए तूने हमें इतनी अर्जेंट में अमेरिका जाने के लिए तैयार किया। वैसे भाभी का नाम भी उनकी तरह ही है, ब्यूटीफुल एंड हॉट, जैसी वो खुद है वैसा ही उनका नाम है। रियाज अभी भी गुस्से में था। आफताब के मुंह से तापसी के लिए हॉट ब्यूटीफुल देसे वद सुन उसकी आंखें और लाल हो ने लगी। उसका टेम्पर कभी भी फटने को तैयार था। अली को इसका बात एहसास होते ही आफताब को पीछे से पंच मार के बोला, बस कर, बहुत हुआ, वो हमारी भाभी है अब। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उनको गलत नजर से देखा या बोला तो मैं तुम दोनों को यहाँ से उठा के बाहर फेंक दूंगा। अली रियाज को देख, सॉरी यार, मैं इन दोनों की ओर से माफी मांगता हूँ, सॉरी। ताजीब, सॉरी रियाज, हमारा वो मतलब नहीं था, तू तो जानता है हमें आदत हो चुकी है लड़कियों को ऐसे नाम से बुलाने की, इसलिए निकल जाता है। आफताब, हा भाई सॉरी, अब हम उनको भाभी बोलेंगे, तू शांत हो जा। अली बात को संभाल के, वैसे रियाज भाभी अमेरिका में रहती कहा है, उनके डेट कौन है, वो तुझे उनका हाथ देंगे। रियाज अपनी आंखें बंद कर खुद को सांट कर बोला, वो मेरे और डेट के सबसे बड़े दुश्मन के पास है। अली आफताब ताजीब एक साथ सोकत होके वोट, अली तेरे कहने का मतलब है वो समय मल्होत्रा के पास है। आफताब, वो समय मल्होत्रा जिसे दुनिया व्हाइट ईगल डार्क ड्रैगन के नाम से जानती है। ताजीब, वही समय मल्होत्रा जिसे भीड़ने से तुम दोनों के डेड ने मना किया था। अली, तू हमें पूरी बात बता, तू कहना क्या चाहता है? भाभी समय मल्होत्रा के पास है, लेकिन वो उसके पास क्यों है? उसका और समय मल्होत्रा का क्या रिश्ता है? रियाज उनकी बात इग्नोर कर, वो उसकी मोहब्बत है, जिसे मुझे मोहब्बत हो चुकी है, वो उसकी कमजोरी है जिसे मुझे अपनी बनाना है, पहली नजर में वो मेरे दिल में उतर चुकी है। उसके मोम डेड नहीं है, वो वहाँ के पुलिस ऑफिसर की बहन है, जिसकी शादी समय मल्होत्रा के छोटे भाई से होने वाली थी। उन दोनों की सगाई के एक दिन पहले समय ने उसे अपने भाई से चुरा लिया। अब समय उसे अपने करीब रखता है, वो उसे खुद की आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहता, जैसे वो उसकी हो। अली सारी बात सुन, मतलब कि उसने अपने भाई की होने वाली बीवी को उसे छिना? रियाज, नहीं, उसने उसे गेम में जीता है, छिना नहीं। आफताब बीच में बोला, मतलब उसने अपने भाई से खेल में उस लड़की को जीता, लड़की नहीं भाभी है तुम्हारी, रियाज ने गुस्से में कहा। आफताब तुरंत माफी मांगते हुए, सॉरी 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 यार, गलती से निकल गया, मेरा मतलब भाभी से था, उसने भाभी को खेल में जीता, लेकिन उसके बेवकूफ भाई ने अपनी होने वाइफ को गेम में लगाया। क्यों? अली आफताब की बात बीच में काट के, वो सब छोड़, उसने उसे क्यों लगाया, कैसे लगाया उसे, हमें मतलब नहीं, मतलब इस बात से है कि आगे क्या, रियाज तू आगे क्या करने वाला है, वो कौन है, क्या है, कैसा है, तुझे अच्छे से पता है।
अब तू क्या करेगा? तूने कहा वो उसकी मोहब्बत है जिसे वो अपने सिने से लगा के रखता है, तो तू उसे कैसे हासिल करेगा? तू करने क्या वाला है? ताजीब समय का नाम सुन परेशान होके अपने बालों में हाथ फिरा के बोला, देख रियाज ऐसा मत सोचना मैं डर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वही बता रहा हूँ, वो कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं है। अली को इसका बात एहसास होते ही आफताब को पीछे से पंच मार के बोला, बस कर, बहुत हुआ, वो हमारी भाभी है। अब अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उनको गलत नजर से देखा या बोला तो मैं तुम दोनों को यहाँ से उठा के बाहर फेंक दूंगा। अली रियाज को देख, सॉरी यार, मैं इन दोनों की ओर से माफी मांगता हूँ, सॉरी। ताजीब, सॉरी रियाज, हमारा वो मतलब नहीं था, तू तो जानता है हमें आदत हो चुकी है लड़कियों को ऐसे नाम से बुलाने की, इसलिए निकल जाता है। आफताब, हा भाई सॉरी, अब हम उनको भाभी बोलेंगे, तू शांत हो जा। अली बात को संभाल के, वैसे रियाज भाभी अमेरिका में रहती कहा है, उनके डेट कौन है, वो तुझे उनका हाथ देंगे। रियाज अपनी आंखें बंद कर खुद को सांट कर बोला, वो मेरे और डेट के सबसे बड़े दुश्मन के पास है। अली, आफताब, ताजीब एक साथ सोकद होके वोट। अली, तेरे कहने का मतलब है वो समय मल्होत्रा के पास है? आफताब, वो समय मल्होत्रा जिसे दुनिया व्हाइट ईगल डार्क ड्रैगन के नाम से जानती है। ताजीब, वही समय मल्होत्रा जिसे भीड़ने से तुम दोनों के डेट ने मना किया था। अली, तू हमें पूरी बात बता, तू कहना क्या चाहता है? भाभी समय मल्होत्रा के पास है, लेकिन वो उसके पास क्यों है? उसका और समय मल्होत्रा का क्या रिश्ता है? रियाज, उनकी बात इग्नोर कर, वो उसकी मोहब्बत है जिसे मुझे मोहब्बत हो चुकी है, वो उसकी कमजोरी है जिसे मुझे अपनी बनाना है, पहली नजर में वो मेरे दिल में उतर चुकी है। उसके मोमदेद नहीं है, वो वहाँ के पुलिस ऑफिसर की बहन है जिसकी शादी समय मल्होत्रा के छोटे भाई से होने वाली थी। उन दोनों की सगाई के एक दिन पहले समय ने उसे अपने भाई से चुरा लिया। अब समय उसे अपने करीब रखता है, वो उसे खुद की आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहता, जैसे वो उसकी हो। अली, सारी बात सुन, मतलब कि उसने अपने भाई की होने वाली बीवी को उसे छिना? रियाज, नहीं, उसने उसे गेम में जीता है, छिना नहीं। आफताब बीच में बोला, मतलब उसने अपने भाई से खेल में उस लड़की को जीता? लड़की नहीं, भाभी है तुम्हारी, रियाज ने गुस्से में कहा। आफताब तुरंत माफी मांगते हुए, सॉरी 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 यार, गलती से निकल गया, मेरा मतलब भाभी से था, उसने भाभी को खेल में जीता, लेकिन उसके बेवकूफ भाई ने अपनी होने वाइफ को गेम में लगाया, क्यों? अली, आफताब की बात बीच में काट के, वो सब छोर, उसने उसे क्यों लगाया, किसे लगाया उसे, हमें मतलब नहीं, मतलब इस बात से है कि आगे क्या? रियाज, तू आगे क्या करने वाला है? वो कौन है, क्या है, कैसा है, तुझे अच्छे से पता है? अब तू क्या करेगा? तूने कहा वो उसकी मोहब्बत है जिसे वो अपने सिने से लगा के रखता है, तो तू उसे कैसे हासिल करेगा? तू करने क्या वाला है? ताजीब समय का नाम सुन परेशान होके अपने बालों में हाथ फिरा के बोला, देख रियाज ऐसा मत सोचना मैं डर रहा हूँ, लेकिन जो सच है वही बता रहा हूँ, वो कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं है। समय तापसी को लेके विला में आ चुका था, विला में आते ही उसे एक सरप्राइज मिला, या यू भी कह सकते हैं सोकद मिला। समय ने जैसे ही विला में कदम रखा, उसके सामने एक लड़की आके खड़ी हो गई। लड़की को देख समय पूरी तरह सोकद हो गया। लड़की आते ही समय के ऊपर चढ़ गई, उसने दोनों हाथ समय के गले में और पैर समय की कमर पर लिपट लिए। समय लड़की को खुद पर चरा हुआ देख जींस हाथ से तापसी का हाथ पकड़ा हुआ था, उसे छोड़ उस लड़की को पकड़ लिया। तापसी ये देख आगे बढ़ी कर समय और उस लड़की को देखती रही। हॉल में और भी दो लोग मौजूद थे, जींस में से एक ये सब देख हैरान था तो दूसरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे इस चीज का पहले से पता हो। वो दोनों और कोया नहीं, राहुल वरुण थे और लड़की जानू थी। वरुण के चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन थे, वहीं राहुल लड़की को समय के इतने करीब देख हैरान था। राहुल को जानू के बारे में कुछ पता नहीं है, जबकि वरुण जानू को जानता है, उसे जानू के बारे में सब कुछ पता है। उसे समय जानू के रिश्ते के बारे में भी सब पता था। जानू को समय के इतना करीब देख तापसी के कदम पीछे होने लगे। सबका ध्यान समय जानू पर था, किसी का भी ध्यान तापसी पर नहीं गया।
खुद समय को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी बटरफ्लाई उसे दूर जा रही है, वो तो अभी भी सोकत था। जानू समय के गले से चेहरा निकाल समय के गालों पर किसकर बोली, जाना आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको कितना मिस किया जानू, मिस जाना। जानू की आवाज जैसे ही समय के कानों पर गई वो तुरंत अपने होश में आया। वो अपनी गोद में चरी हुई लड़की को देख हैरानी से बोला, जानू तुम यहाँ कैसे आई, कौन लाया तुम्हें, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो बिना मेरी मर्जी के फैसला ले सके। समय वरुण की ओर देख, तुम लाए इसे यहाँ। वरुण ने तुरंत ना में सर हिला के, नहीं यार मैं क्यों लाऊंगा, दे से तुझे इसे यहाँ, देख सोकत लगा, वैसे ही मुझे भी इसे देख सोकत लगा है। पीछे से एक गादर ने आगे आके कहा, बोस यंग मैडम खुद यहाँ भाग के आई है, हम सब गादर को चकमा देके वो खुद कार ड्राइव कर यहाँ आ गई, हमने काफी रोकने की कोशिश की। गादर ये बोलते हुए अंदर ही अंदर दर से कांप रहा था। उसे समय के गुस्से के बारे में अच्छे से पता था, उसे समय से डर भी लग रहा था, उसे पता है समय कितना खतरनाक है। समय गादर की बात सुन गुस्से में दहार के बोला, तुम सबको इसलिए इतने पैसे देता हूँ कि एक लड़की को नहीं संभाल सकते, दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम सबकी सजा में बाद में तय करूँगा। समय की गुस्से वाली आवाज सुन गादर सर झुका के तुरंत वहाँ से चला गया। समय अपनी गोद में चरी लड़की को देख अपना गुस्सा सांट कर उसके बालों में हाथ फेर के बोला, जानू आपने खुद कार क्यों चलाई, आपको पता है ना ये कितना रिस्की हो सकता है। जानू अपना सर ना में हिला के बोली, जानू को कुछ नहीं होता, क्यों की जानू को जाना के पास आना था और वो गंदे भैया मुझे मना कर रहे थे इसलिए मैं भाग आए। समय उसे नीचे उतार के शक्ति से बोला, आपको पता है आपने कितनी बड़ी गलती की है, मैं आपसे नाराज हूँ, अगर आपको मुझसे मिलना था तो आप मुझे या फिर वरुण भाई को कॉल कर लेती, हम आ जाते, आपको खुद आने की क्या जरूरत थी, अगर आपको कुछ हो गया तो। जानू समय के नाराज होने वाली बात सुन अपने दोनों कान पकड़ के बोली, सॉरी जाना, जानू से गलती हो गई, जानू को ऐसे आना नहीं चाहिए था, आप जानू से नाराज मत हो, जानू आपके बिना नहीं रह सकती, जानू को आपकी बहुत याद आ रही थी, आप जानू से कितने दिनों से मिलने भी नहीं आए, इसलिए जानू को ऐसे भाग के यहाँ आना पड़ा, वरना जानू तो जाना की सारी बात मानती है। समय उसकी बात सुन, आप जानती हो ना जाना आपसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकता, आपको वहां से ऐसे आना नहीं चाहिए था, मैं आपको खुद लेने आने वाला था, अगर कार ड्राइव करने में आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। जानू समय के सिने से लग के बोला, जाना के होते हुए जानू को कुछ नहीं हो सकता। समय उसकी बात पर छोटी सी स्माइल कर उसे सिने से लगा के बोला, और मैं आपको कुछ होने भी नहीं दूंगा, आप मेरी जान हो, इस दिल धड़कन हो, आप जाना की जानू हो, और मेरी बहन का क्या है, राहुल ने गुस्से में कहा। राहुल की आवाज सुन समय को तापसी का ख्याल आया। समय ने तुरंत अपने पास देखा तो उसकी आंखें सोकत से भरी हो गई, क्यों की तापसी उसके पास नहीं थी। समय जानू को खुद से अलग कर अपने आसपास पूरे हॉल में नजर फेरी, लेकिन उसे तापसी कहीं नहीं दिखी। तापसी को हॉल में ना देख समय तापसी को आवाज लगाने लगा, बटरफ्लाई बटरफ्लाई कहा हो तुम, बटरफ्लाई कहा हो तुम। समय भागते हुए अपने कमरे गया, उसे लगा वो ऊपर होगी, लेकिन उसे वहां पर भी वो नहीं मिली। समय ने कमरे के हर कोना देखा, लेकिन उसे तापसी कहीं नहीं मिली। उसने आसपास के हर एक कमरा देखे, कमरे के हर एक कोने में देखा, लेकिन उसे तापसी कहीं नहीं मिली। हॉल में वरुण राहुल ने भी पूरा हॉल, किचन, नीचे के रूम सब जगह देख ली, लेकिन तापसी का कुछ पता नहीं चला। वरुण ने गादौस को पूरा विला देखने को कहा। जानू वहीं खड़ी होके सबको यहाँ से वहां भागते देख रही थी। समय भागते हुए तापसी को आवाज लगाते हुए नीचे आया। वरुण बाहर से भागते हुए अंदर आए। समय मेरी बटरफ्लाई कहा है। वरुण हाफते हुए, वो विला में कहीं नहीं है, मैंने सबको विला में फैला दिया, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं मिली। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।